ट्रक वाला स्टीयरिंग, ट्रक वाला स्टीयरिंग हल्का होगा इससे। अब एक एक्सीलेटर दे रहा हूँ, हो गया। बस जाम हो गया। रेस देने पे फ्री हो जा रहा है, वैसे स्टीयरिंग जाम है। ये दो कंडीशन में होता है, स्टीयरिंग हार्ड है, कंडीशन दो की वजह से हार्ड होता है। एक तो आपका पावर स्टीयरिंग ऑयल नहीं है, या फिर मोटर खराब है। जब ऑयल नहीं रहता तो रेस भी देंगे तो भी हार्ड ही रहेगा, फ्री नहीं होगा। लेकिन इसमें रेस देने पे फ्री हो रहा है, इसका मतलब ऑयल का इशू नहीं है, पावर स्टीयरिंग मोटर का है। तो एक बार पहले ऑयल चेक कराओ कि ऑयल है कि नहीं है। तो इसमें ऑयल है और ऑयल भी काला हो गया। यानी कि ये काला क्यों होता है कि जब पावर स्टीयरिंग मोटर खराब होती है, ऑयल पूरा है इसका मतलब मोटर खराब है। रेस देने पे फ्री हो रहा है, रेस छोड़ने पे फ्री नहीं हो रहा, यानी मोटर बहुत कम प्रेशर बना रहा है, काम कम कर रहा है। तो हम इसको फाइनली बदलने वाले हैं। खोलो जरा इसे। बस कोई मिनट जा रहा, खुलने वाला है। ये है पावर स्टीयरिंग पंप जो कि हो गया है डेड। इसको मैं बदलता हूँ इसे दूसरा। भाई ये सेकंड हैंड दूसरा लाए हैं, देख सकते हैं। ये चूंकि कस्टमर के द्वारा लाया गया, अभी ये लेके आए हैं सेकंड हैंड में, और किसी गाड़ी का उतरा हुआ पीस है। अच्छा पीस है, दिख रहा है, साफ सुथरा सा दिख रहा है। तो ये मैं इसे लगाओ ये डेड है, ये किसी काम का नहीं है। लगा इधर, रोटी खा लेते हैं। देख कैसे भाई शोर मचा रहे हो, लगा दे इसे। पुराना पंप फिट कर दिए। पुराने पंप की एक खासियत है भाई, ध्यान से सुन लेना मिस्त्री भाई भी, जब कभी भी सेकंड हैंड का पंप लाते हैं तो उस टाइम में उस पंप को वैसे का वैसे फिट करो, ना कि धो दोगे और कहीं काम ना करेगा ना तो वापिस भी नहीं लेगा जिससे लेके आए हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, यदि काम कर जाएगा तब इसकी धुलाई होगी, यदि काम नहीं करेगा तो ये वापसी हो जाएगा वैसे का वैसे। इसलिए हमने इसको धुलाई नहीं किया, समझ रहे बात को। चलो फिट कर दिया, अब ऑयल को डालो। ये जरूरी, ये चीज़ें ध्यान रखना होगा, चाहे हेड लो, बस आराम से हेड लो, इंजन लो, कुछ भी लो, सेकंड हैंड ले रहे हो तो उसको वैसे फिट करो, ना कि धो के फिट करो, क्योंकि वापसी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो फिर मानते नहीं है कोई भी जिससे लेके आते हो। तभी मैंने फिट कर दिया, ऑयल भी डाल दी। इधर आ जाओ। ये चीजें जो कर रहा हूँ ना मैं, ऐसे नहीं होती थी वो, ऐसे तो मतलब ही नहीं कर सकते हो आप, दोनों हाथ लगाना ही पड़ता था। अब रेस दो या नहीं दो उससे फर्क नहीं पड़ता, रेस दो या नहीं दो अब नहीं फर्क पड़ रहा है, पहले फर्क पड़ता। अब देखो अब हार्ड हो गया, लेकिन यही जब स्टार्ट कर देते हैं पंप का इशू होता है। अब देखो जैसे ऑयल भी है, रेस दे रहे हैं, ठीक है, उस टाइम में फ्री हो रहा है, रेस छोड़ रहे हैं, जाम हो जा रहा है, तो मोटर का प्रॉब्लम है। लेकिन मोटर के अलावा कई चीजें ध्यान देनी होती है। कई बार इसके जो रैक होते हैं ना, जो रैक स्टीयरिंग रैक, वो भी जाम हो जाता है, इसकी वजह से ऐसे दिक्कत करती है, हार्ड हो जाता है। तो उसको आपको एक्सपीरियंस से जज करना पड़ेगा कि स्टीयरिंग रैक है या फिर मोटर है। कई बार फेल हो जाते हैं मिस्त्री, वो जज नहीं कर पाते हैं स्टीयरिंग मोटर है या फिर रैक है। तो रैक के लिए उसकी कंडीशन देखनी पड़ती है कि कंडीशन क्या है, और ये देखना पड़ता है कि जो ऑयल है वो काला तो नहीं है। यदि काला नहीं है बिल्कुल भी तो मोटर पे डाउट कम जाता है, लेकिन यदि काला है तो मोटर है। अभी मैंने ऑयल चेक किया था, काला है, तो इसका मतलब क्या है, मोटर है। और दूसरी चीज़ और पास में लेके आओ,
जैसे हम इसको स्लोली घुमाते हैं ना, अभी दिखाओ, देखो जैसा स्लोली घुमाते हैं, जो रैक होता है वो क्या करता है, ये फंसता है, घस 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 की आवाजें आएगी। अभी इसमें फंस नहीं रहा है, इसलिए हमें डाउट रैक पे नहीं जा रहा था, मोटर पे जा रहा था। ये देखो बिल्कुल स्मूथ है अब। और वो क्या होता है, जो मोटर जाम होती है ना तो वो अटकता है कहीं। और एक और चीज है जो हार्ड करता है स्टेयरिंग, वो होता है नीचे का क्रॉस। तो कैसे होता है, कभी राइट में तो फ्री जाएगा लेकिन लेफ्ट में हार्ड हो जाएगा, एक साइड में फ्री एक साइड में हार्ड। तो वो क्रॉस का होता है, स्टेयरिंग क्रॉस का। यानी एक एक चीज को बड़े बारीकी से टेस्ट करना होता है, तब जाके कोई भी चीज को एक एक चीज की तरह सिर्फ एक पॉइंट को लेके आप प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सारा चीज फालतू का चीजें चेंज हो जाए वो अच्छी बात नहीं होती है, वो बुरी बात होती है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।